तो जी गाइस, मैं जो है पहुंच चुका हूँ। गाड़ी जो है ये पार्क कर दी गई है, इधर खड़ी की है। अभी जो है वो जैक नीचे लगा रहा है, तो अभी जो है ऑयल चेंज किया जाए। तू अली नाल प्यार कर ले, आजा प्यार कर ले, तू अली नाल प्यार कर ले। गुते जैक Das kostet viel, genau. Ich habe das die Preis angeschaut. Ich war die welche Market in Ramsberg? Bosch Market. Ja, die kosten zu viel. Genau. So. Okay, gut, also. Ich nehme nur die Ölwanne. Ja, ja. Du kannst. Öl habe ich hier gelassen, oder? Ja. Aha. गाइस देखे, जिस तरह मेरी गाड़ी की इंजन की जो कंडीशन है वो भी साफ़ सुथरी है। गाड़ी जो है वो सिर्फ़ मैंने 1200 यूरो की ली थी, तो माशाल्लाह अच्छी कंडीशन थी। मेरा एक दोस्त था जो सेल कर रहा था, उससे मैंने 1200 यूरो की ली है। It's feel hard, huh? Yeah. तो गाइस अभी जो है ये नीचे से ऑयल का नट जो है वो ओपन किया जाएगा। Bro, that is not good, yeah? Huh? That is not good. And this I get not off. Vielleicht die andere Seite, du kannst oder? Ja. Das Problem, dass der nicht das zerbricht. Weil das ist Aluminium. Oh, viel krass. Genau. Na, geht nicht. Geht nicht. Ja, oder? Ich glaube, ich vermute. Ja. Ja, es geht. Bro, du hast richtig Glück, hä? Weil manchmal kommt die ganze raus, gell? Und dann musst du ganze wechseln. Ah, okay. Dann wird's scheiße. Genau. Aber du hast Glück. Mhm. Ich zeig dir in Ende, wie macht man. Mhm. Weil die Leute wissen das nicht. Ach so. Weil die haben keine Schule gemacht und die wissen nicht, wie das mal geht. Ich zeig dir. जी दोस्तों, देखिए ऑयल जो है वो नीचे आ रहा है, वो सामने। मैं भी नीचे बैठ बैठ के जो है ना वो थक चुका हूँ, अभी मैं भी खड़ा हो जाऊँगा। मेरे तो अभी टांगे भी दर्द करनी शुरू हो गई हैं, तो देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो जी गाइस देखें, अब जो है इसका ऑयल फिल्टर वो उतारा जा रहा है, पुराना और नया लगाया जाएगा फिर। तो जी गाइस, फिल्टर भी जो है वो भी उतार लिया गया है। अभी न्यू फिल्टर और न्यू ऑयल जो है गाड़ी में डाला जाएगा। गाइस अब जो है न्यू फिल्टर लगाया जा रहा है। अब इसको जो है बंद करने लगे। अब इस नट को जो है दोबारा से बंद किया जा रहा है, क्योंकि ऊपर से अब न्यू ऑयल जो है वो डालना है। तो जी देखें, दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं।
न्यू फिल्टर भी लगा दिया गया है और नट को भी जो है बंद कर दिया गया है। बस यही दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, जब आपने गाड़ी का तेल चेंज करना हो तो ये दो काम जो है सिर्फ करने पड़ते हैं, एक नट खोलना पड़ता है और दूसरा वो फिल्टर खोलना पड़ता है। ऑयल भी चेंज कर लिया और फिल्टर भी जो है वो भी नया लगा लिया, तो अब जो है सिर्फ ऑयल डालेंगे और काम फिनिश। तो जी गाइस, मैं हूं आपका होस्ट रजा। तो माजरत, शाम को जो है इतना टाइम नहीं लगा वीडियो शूट करने का कि काम गाड़ी का जो वो ख़त्म हो चुका था, मींस के सारी गाड़ी चेक कर ली थी, सारा कुछ ओके हो गया था और मैं सीधा घर को आ गया। और अभी मैं गया हुआ था सिटी में, तो वहाँ मेरे साथ जो हुआ, शुक्र है अल्लाह पाक का, पता नहीं किसकी दुआ जो है मुझे काम आ गई, वरना 30 यूरो जुर्माना मुझे होने लगा था। मैंने ना यहाँ बेसिकली आप नॉर्मली जो है ना सिटी के अंदर जो है ना ड्राइव नहीं कर सकते, तो मैं जहाँ से मैंने पैसे अब पाकिस्तान भेजने थे ना, तो वो दुकान जो थी वो सिटी के अंदर थी। जब मैं वहाँ गया हूँ और गाड़ी मैंने वहाँ पार्क की है, शुक्र है मैंने ये डबल ब्लिंक के जो है ना, ब्लिंक के मीन्स के ये जो कहते हैं शारे, डबल शारे, ये मैंने ऑन कर दिए थे, तो जो है वो कंट्रोल करने वाले आ गए उधर और मुझे कहते हैं आपने गाड़ी इधर क्यों पार्क की है। मैंने कहा मैंने पार्क नहीं की, मैं जस्ट वैसे ही ये दुकान देखने आया था, ये दुकान खुली है, अब मैं जा रहा हूँ। कहते हैं नहीं, तुम्हें तुम्हारे पास वो इजाज़त है कि तुम सिटी में गाड़ी लेके आ सकते हो। मैंने कहा सॉरी, वो तो मेरे पास नहीं है। तो मुझे कहते हैं नहीं, अभी आपको फिर 30 यूरो फाइन होगा। मैंने कहा मैं अभी जा रहा हूँ, बस मैंने सिर्फ वो दुकान देखनी थी, वो देख लिया, बस जा रहा हूँ। तो पता नहीं किसकी दुआ जो है वो कबूल हो गई और मैं 30 यूरो से जो है ना बच गया फाइन होने से, वरना ये तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ते खुदा की कसम। ये अगर कोई ना राइट पे हो तो उसको ये फाइन करते ही करते हैं। मैं ना राइट पे था, लेकिन पता नहीं क्या उनको दिल में जो है पता नहीं क्या लगा और उन्होंने कहा ठीक है जाओ, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना। शायद ये भी हो सकता है मेरे साथ एक जर्मन लड़की बैठी हुई थी, शायद उसकी वजह से, या पता नहीं क्या, ये अल्लाह ही जानता है। तो गाइस ये थी सिचुएशन, शुक्र है आज बच गया हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम एहतियात करूँगा। तो गाड़ी जो है अब ओके हो चुकी है। वहाँ भी मैंने एक डिवाइस देखी थी, तो वो भी इंशाल्लाह एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाई है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।